पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों अनुभूति कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को जंगलों की सैर करा रहा है। वन्य क्षेत्रों, पर्यावरण, प्रकृति समेत अन्य वन्य जीवों से जुड़ी कई जानकारियां दी जा रही हैं और वन परिक्षेत्र किशनगढ़ में इसी के तहत कार्यक्रम हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब 120 बच्चों को घुंगरी भोरखुआ क्षेत्र के जंगलों में घुमाया गया। छात्रों को विभाग ने कई जानकारियां भी दी। स्कूली बच्चों के बीच में प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा स्कूली बच्चों को वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के सामने जागरूक करने के लिए सर कितने दिन का रहता है इसमें? एक दिन का कार्यक्रम रहता है। सुबह से हर कैंप में लगभग 120 स्कूली बच्चों को हम शामिल करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ के बच्चों को चयनित किया है। बच्चे सुबह 7 बजे यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद पक्षी दर्शन होता है, नेचर ट्रेल में ले जाते हैं उनको, जहाँ हमारे किसका क्या महत्व है इसके संबंध में हम उनको विस्तार से जानकारी देते हैं। वन्य प्राणी इस जंगल में कौन कौन से